कोविड वैक्सीनेशन लगवाने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर जमकर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मानो कोरोना बीमारी खत्म हो गई हो। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी खुद बिना मास्क के ड्यूटी पर हों तो फिर लोगों को क्या कह सकते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा आज ग्राम पंचायत धलोट में बनाए गए टीकाकरण केंद्र में देखने को मिला है, जहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन लगाने के लिए उमड़ी भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियाँ उड़ाई तो अंदर वैक्सीनेशन में जुटी महिला स्वास्थ्य कर्मी ने खुद मास्क नक नहीं पहना था, जिससे कई लोगों ने इस पर एतराज भी जताया है। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र में स्थानीय लोगों के अनुसार ग्रामीण केंद्रों में टोकन नंबर दिए गए, जिस पर भी ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। धलोट में टीकाकरण करवाने पहुंचे युवा ने बताया कि पहले केंद्र में टीकाकरण लगवाने के लिए लिस्ट बनाई गई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों का नाम था, लेकिन बाद में लिस्ट को गायब करके टोकन सिस्टम दिया गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण के लिए प्रशासन को सही ढंग से प्रावधान करना चाहिए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। नाम रोहित है, जिमी गांव से। सर एक्चुअली यहाँ पे इंजेक्शन लगा रहे हैं 18 प्लस और 45 प्लस को, बट यहाँ पे पहले था लिस्ट में नाम थे बंदों के, अब जो है वो लिस्ट गायब कर दी गई है यहाँ से, और ये टोकन का नया सिस्टम चलाया हुआ उन्होंने, तो काइंडली इस पर जाँच की जाए, थैंक यू। वहीं ड्यूटी पर तैनात महिला स्वास्थ्य केंद्र इंचार्ज रेणुका ने बताया कि सभी लोगों को टोकन दिए गए हैं और टोकन प्रक्रिया में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियों पर महिला कर्मचारी ने बताया कि लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं और कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां नहीं उड़ा रहा है। जी मैंने जिनको टोकन दिए मैं उनकी वैक्सीनेशन कर रही हूँ, और टोकन मैंने 100 टोकन बांटा है, 50 लेडीज हैं और 50 जेंट्स है। बिना मास्क के जी हम सबको बोला कि जिसके साथ मिला जिसने मास्क लगाया हम लोगों ने।